बिग बॉस OTT सीजन 3 खत्म हो चुका है और अब लोगों को इंतजार है बिग बॉस 18 का। जहां बिग बॉस OTT अनिल कपूर होस्ट करते नजर आए थे, वहीं अब बिग बॉस के फैंस को सलमान खान का भी बेसब्री से इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला। चर्चा है कि एक बार फिर सुपरस्टार सलमान खान इस सीजन को होस्ट करते दिखाई देंगे। सलमान को शो होस्ट करता देखने के लिए फैंस के बीच भी अलग ही एक्साइटमेंट है। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 18 इस साल अक्टूबर महीने में टीवी पर दस्तक देगा। वैसे तो बिग बॉस 18 शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज में रहने वाले शो के कुछ कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने आ चुकी है। इस लिस्ट में जो सबसे भला नाम सामने आया है वो है शुएब इब्राहिम। जी हाँ, वही शुएब जिनकी वाइफ दीपिका कक्कड़ बिग बॉस 12 की विनर रह चुकी हैं। अब बात करते हैं शो के दूसरे कंटेस्टेंट की, तो वो हैं दिग्विजय राठी। दिग्विजय इससे पहले रोडीज और फिर स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शोज भी कर चुके हैं। खबरों की माने तो दिग्विजय बिग बॉस 18 में देखे जा सकते हैं। छोटे पर्दे के फेवरेट हीरो अर्जुन बिजलानी, जिन्हें नागिन शो में देखा जा चुका है, वो इस सीजन बिग बॉस में आ सकते हैं। अर्जुन के अलावा कलर्स के शो बैरिस्टर बाबू की लीड एक्ट्रेस आंचल साहू के भी शो में आने को लेकर खबरें तेज है। हालांकि अभी तक इन सभी में से किसी के भी शो में आने को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच बिग बॉस OTT 3 के सबसे दमदार कंटेस्टेंट लवकेश कटारिया को भी बिग बॉस 18 में देखने के लिए फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है। मगर हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में लवकेश कटारिया ने साफ कर दिया है कि वो बिग बॉस 18 का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर मेकर्स उन्हें शो के लिए अप्रोच जरूर करेंगे। बिग बॉस